व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे द ब्रांड न्यू एक्सेस 125 2023 मॉडल। मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो पहले एक ओवरऑल व्यू चेक करते हैं, फिर बाद में स्पेक्स की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस, अपने पास अभी जो वेरिएंट मौजूद है यहाँ पर, वो ब्लैक कलर में मैट ब्लैक वेरिएंट। और अभी आप इसके लाइटिंग सेटअप पे देखोगे तो LED लाइटिंग सेटअप है, लेकिन जो इसके यहाँ ये देखो टर्न इंडिकेटर, वो हैलोजन में प्रेजेंट किए हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे लाइट के ऊपर, तो ये आपको क्रोम फिनिशिंग मिलता है बैजिंग के साथ। सुजुकी का बैजिंग भी यहाँ पर, वो भी क्रोम फिनिश में दिया हुआ है। और बाकी अभी साइड का मिरर भी सेम क्रोम फिनिश है। और ये अपना बूट स्पेस वाला एरिया होगा, सीट कुशन हाइट वगैरह। और इस पर आपको यहाँ पर देखोगे तो डिजिटल मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर जिसको हम बोलते हैं। और साथ ही में जो फ्यूल स्पेस अगर आप देखोगे तो फ्यूल स्पेस जो बाहर दिया गया हुआ है विथ E20 टेक्नोलॉजी की बैजिंग के साथ। और भाई सुजुकी का अभी ये वाला पार्ट अच्छा है कि जो फ्यूल का स्पेस है वो बाहर रखा गया है, उससे क्या है कि फ्यूल का मतलब वो ईजी हो जाता है ना फ्यूल वगैरह फिल करना। और बाकी अब ये साइड आओगे, ये साइड सेम आपको एक्सेस 125 का प्रॉपर बैजिंग मिलेगा विथ राइड कनेक्ट एडिशन। तो अभी बाइक के ब्रेक्स पे आते, फ्रंट में आपको मिलेगा डिस्क ब्रेक मिलेगा। वहीं पर अगर रेयर में आते, अभी रेयर वाले साइड में चलते, रेयर ब्रेकिंग चेक करते। रेयर में आप सुजुकी एक्सेस 125 में देखोगे तो आपको ड्रम ब्रेक्स दिया गया है यहाँ पर, सिर्फ फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। तो और भी अगर आप स्पेसिफिकेशन की बात करो तो इसमें स्पेशली जो E20 टेक्नोलॉजी दी गई हुई है, जैसा कि मैंने एक्टिवा वाले रिव्यू में भी बोला था कि इथेनॉल वाले पेट्रोल को अभी के जो नए वाले स्कूटर से वो सपोर्ट करेंगे। और इसके बगैर आप बॉडी वेट की बात कर रहे हो तो अराउंड 103 kg है। और सीट हाइट जाता है इसका 773 mm के आसपास। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है। और ये वाला स्टील वेरिएंट के अंदर आता है विद सिंगल सिलेंडर। और ये वाला एक्सेस का मॉडल आपको देता है 124 cc का एयर कूल्ड इंजन। और माइलेज की अगर बात करेंगे तो कंपनी जो क्लेम करती है 55 kmpl के माइलेज है विद फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। तो अभी आपको बाइक ऑन करके डिजिटल मीटर चेक कराते हैं। तो भी आप डिजिटल मीटर जब चेक करते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन है, मोड ऑप्शन है, यहाँ पर स्पीड कितने किलोमीटर पर आर वो जा रही है वो दिखेगा, टाइम है, और ये इंजन गॉज का है। और यहाँ पर ओडोमीटर है, और ब्लूटूथ पेयर मोड भी दिया गया है जो आजकल ऑलमोस्ट हर गाड़ी में अवेलेबल होता ही है। और अगेन सुजुकी की बैजिंग। तो भाई अब सीन्स कुछ ऐसे कि अभी आपको इसका थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह चेक करो तो आपको प्रॉपर डिटेल में एक्सेस 125 दिखने मिलेगा। तो आपने सिनेमैटिक्स तो एंजॉय कर ही लिया होगा, अभी थोड़ा सा रोड प्रेजेंस चेक करते हैं कि गाड़ी रोड पे कैसी दिखती है। So guys, आपने पूरा एक्सेस 125 का ओवरऑल फीचर्स देख ले रहे हो, कमेंट में बताना आप लोग इसको लेने की सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, या फिर कैसी लगी आपको ये गाड़ी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो फॉर 1% एंड मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अभी आपको बाइक ऑन करके डिजिटल मीटर चेक कराते हैं। Flash, know that they ride or die. I keep waves by my side.